आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सैड सॉन्ग थंबनेल। दोस्तों जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह के हम थंबनेल क्रिएट करना सीखेंगे अपने मोबाइल से पिक्सल लैब ऐप से। दोस्तों साथ में आपको इसकी PLP फाइल बिल्कुल फ्री में दे दी जाएगी दोस्तों। तो आपको इस तरह का पोस्टर बनाना सीखना है और PLP फाइल डाउनलोड करनी है, तो आप वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो इसको हम बनाएंगे अपने पिक्सल लैब ऐप से। जिस भी भाई के पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है। और फिर उसके बाद आपको उसको PLP फाइल ऐड करनी है और अपना जो भी पोस्टर क्रिएट करना है आप उस PLP फाइल के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों PLP फाइल की जो जिप फाइल है उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, आपको दो स्टेप में इसी वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों जो पासवर्ड है वो। तो आज की वीडियो को दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपने पिक्सल लैब ऐप को दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल लैब ऐप दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। अब मैं अपनी PLP फाइल को ओपन कर लेता हूं दोस्तों माई प्रोजेक्ट्स पर जाके। दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी दोस्तों। चलिए आपको बताता हूं किस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया। सबसे पहले मैं लेयर पर जाके इन सभी को एक बार मैं हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखा दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहे। बिल्कुल आसान है दोस्तों, जो कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने इस बैकग्राउंड को क्रिएट किया जो कि अपना पिक्स आर्ट ऐप है दोस्तों, उस ऐप के ज़रिए। ठीक है, तो उसको बैकग्राउंड को बनाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब उसमें ब्रश करके ये बनाया जाता है तो उसमें टाइम लगता है दोस्तों, वो आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत जूम आउट जूम इन करना पड़ता है पहले बैकग्राउंड को। उसके बाद ये दोनों पिक देख रहे हैं, इनको ऊपर लगा के ब्रशिंग करके थोड़ा सा मतलब ये बैकग्राउंड क्रिएट होता है कुछ हिसाब से। ठीक है, तो कभी इसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैंने बनाया उस ऐप से, फिर उसको मैंने पिक्सल लैब ऐप में ओपन कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें क्या क्या चली वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं लेयर पर जाके आपको दिखा देता हूँ मेरी लेयर जो कि एक शेडोन PNG है, इसके पीछे व्हाइट कलर की ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दी क्योंकि इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे। जो टेक्स्ट मतलब है ना, जो भी टेक्स्ट हम इसके ऊपर लिखेंगे हिंदी में वो हमें थोड़े से लाइट दिखें, इसके कारण मैंने बैकग्राउंड में ये वाला शेडोन PNG ऐड कर दिया जो कि हमने टेक्स्ट लिखा ये वाला है जो सबसे पहले जब, और फिर जो आगे का टेक्स्ट है छोड़ चलूँ और इस बेवफा दुनिया को। ठीक है, जो अपना सैड सॉन्ग है उसका टाइटल आ गया जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो आप देख रहे हैं पीछे ये वाला इसको मैं हाइड कर देता हूँ। आप देख लो टेक्स्ट थोड़े से मतलब डाउन पड़ जाएगी, इसकी जो देखने की मतलब इसकी जो लाइट है ना दोस्तों वो बिल्कुल डाउन पड़ जाती है। फिर इसके बाद हम इसको ऑन कर देते हैं अपनी लाइट जो शटडाउन PNG है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा टेक्स्ट चमकने लगता है, इस कारण मैंने इसको यूज़ किया। इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, अपना जो भी चैनल का नाम था वो ऊपर ऊपर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रीतम म्यूजिक प्रोडक्शन प्रेजेंट्स। ठीक है, जो अपनी कोई भी भाई अपने चैनल का नाम यहाँ पर ऐड कर सकता है। आपको कोई भी यूनिक कोड नहीं निकालना, बस PLP फाइल को ऐड करनी है। सभी बिना यूनिक कोड वाले फॉन्ट है, आराम से यूज़ करो PLP फाइल को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर रिमिक्स सॉन्ग का बनाया है तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया रिमिक्स। ठीक है, जो कि देख रहे हैं, और सैड सॉन्ग है तो मैंने यहाँ पर एक दिल वाले PNG को ऐड यहाँ पर दोस्तों कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कोने में दोस्तों एक यूट्यूब का आइकन लगा दिया जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर दोस्तों मैंने एक PNG और ऐड कर दी जो कि ये वाली है। ठीक है, और इस तरह से मैंने इस पोस्टर को दोस्तों क्रिएट कर लिया। इसमें दोस्तों दो ऐप की जरूरत पड़ती है तो आपको एक ही पड़ेगी क्योंकि आपको बैकग्राउंड साथ में कोई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको PLP फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियो में जो जिस फाइल पर पासवर्ड है वो आपको बता दिया जाएगा, तो आपको वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो पसंद आया दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, और आपको इसके बाद सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर, और डिफ़ॉल्ट या आपको कस्टम मिलेगा उस पर यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर अल्ट्रा पर जाना है, सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना दोस्तों, अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।